करेंगे ना संस्कार। पंचायत पीपल कोटा के तहत ग्राम गुंड खेड़ा में खसरा नंबर 282 रकबा 1.28 हेक्टेयर की भूमि राजस्व लेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। ग्राम पंचायत पीपल कोटा में कोई मुस्लिम परिवार निवासरत नहीं है। उक्त भूमि पर आज के पहले कभी किसी मृत शरीर को दफनाया नहीं गया है। यह भूमि के पास में आदिवासी विलास समाज का मांगलिक भवन स्थित है, जहाँ पर 4 मरतबा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह के सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। उक्त भूमि के सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इस शासकीय भूमि के अलावा पीपल कोटा पंचायत के ग्राम गुंडा में अन्य कोई शासकीय भूमि नहीं है। हमको पता चला कि बांगला में फरीद मंसूरी नाम के मुस्लिम प्रजा के व्यक्ति का इंतकाल हुआ है। उसके मृत शरीर को बांगरदा से गोंडखेड़ा लाकर ग्राम गोंडखेड़ा की भूमि खसरा नंबर 282 रकबा 1.28 हेक्टेयर में कब्र खोदकर उसको दफनाने की तैयारी कर ली। इस पर हमारी आपत्ति है। निवेदन है कि मृत शरीर को भूमि पर दफनाने से रोके जाने हैं तो उचित निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। यह भी अनुरोध है समस्या के निराकरण हेतु संबंधित पक्ष निर्देशित किया जाए वो मृत शरीर को मोदी का कांग्रेस पार्टी ने दफनाने की कार्रवाई को पूर्ण करें। उचित साहब कल जो था ना वहाँ पे भीड़ की संख्या ज्यादा थी और कुछ लोग थे और एंड टाइम पे मालूम पड़ा जैसे थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो हिंदू धर्म के जो भी हमारे सामाजिक लोग थे वो 4-5 लोग थे तो उन पे वो हावी हो गए। उनको रोकने का प्रयास किए लेकिन वो हावी हो गए तो इस वजह से ये और वो जमीन उसमें नहीं है क्या अलॉटेड नहीं। क्या विषय किस विषय को लेकर आए हैं? सब्जेक्ट ये है कि पीपल कोटा ग्राम के पास गोंडखेड़ा में भिलाला समाज का मांगलिक भवन है। मांगलिक भवन के पास में कल मुस्लिम समाज के द्वारा बांगरदा की डेड बॉडी ला करके वहाँ कब्रिस्तान बना करके वहाँ पर उसको दफना दिया गया है। हम उसी लिए विरोध करने आए क्योंकि हमारा वहाँ पर मांगलिक भवन भी है और सारी शादियाँ हमारे समाज की शादियाँ होती। पिछले साल भी 750 जोड़े की शादी हुई थी। मंदिर भी हनुमान मंदिर भी पास में है। हम इस चीज़ पर आपत्ति दर्ज करते हैं और अगर वो डेड बॉडी को उनको वहाँ से निकाल कर नहीं गया तो हम हिंदू पद्धति से उसका दाह संस्कार करके 15 दिन की अवधि देते हैं। हम 15 दिन की अवधि में उसका दाह संस्कार करते हैं। इसका दाह संस्कार जो वहाँ डेड बॉडी मुस्लिम बॉडी जो दफनाई गई है। आप ये कह रहे हैं कि फरीद मंसूरी को आप हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करते हैं? जी हाँ। विषय तो ये है कि ये तो खुली दादागिरी है। जब तक कि आपके पास किसी चीज के प्रमाण नहीं हो, परमिशन नहीं हो, पहले उस चीज़ का आपने प्रयास करना चाहिए। जहाँ की हमारे हिंदू समाज के बिलाला समाज का एक मांगलिक भवन बना हुआ है, उस मांगलिक भवन के मैदान में आप दादागिरी से आते हैं और किसी डेड बॉडी को आप इस्लामिक पद्धति से उसको वहाँ पर गाड़ देते हैं तो यह दादागिरी उचित नहीं है। भाई आप जहाँ से बॉडी लाए वहाँ पास में ही मुंडी का कब्रिस्तान है, आप उसको वहाँ पर आपकी पद्धति से उसका दाग दे देते, उसको वहाँ पर उसकी कब्र कर देते। पर दादागिरी के अनुसार जो ये कृत्य किया गया यह निंदनीय है। समाज में पूरा रोष है और बिलाला समाज के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। समाज का यह कहना है कि वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है और अगर आप हमारी शरण में किसी को छोड़कर गए हैं और नहीं 15 दिन के अंदर हटाते हैं तो समाज आंदोलन करेगा और अपनी शरण में कोई बॉडी आई है तो भाई हमारी पद्धति तो दाह संस्कार की है तो समाज उस बॉडी का जो है 15 दिन के बाद समाज उसका दाह संस्कार करेगा, यह समाज का कहना है। इसलिए समाज से अभी भी शीघ्र की समन्वय बनाए, आपसी तालमेल बनाए, संबंध बनाए, भाईचारा बनाए और शीघ्र आपने जो गलती की है उस गलती को सुधारते हुए उस बॉडी को तत्काल वहां से हटाया जाए और आपका अगर कोई ऐसा विषय है तो आप जाए कोर्ट जाए कचहरी जाए प्रमाण लेके आए वहां से आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए उसके बाद उस विवादों की बात होगी। पहले दादागिरी करके इस तरह आपने जो वहाँ किसी मृत बॉडी का मतलब उस मृत ने भी सोचा नहीं होगा कि मेरे को ले जाके ही हनुमान जी की शरण में सुला देंगे। बिल्कुल उस मृत ने भी नहीं सोचा होगा कि ले जाके मेरे को हनुमान जी की शरण में सुला के आ जाएंगे तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। आप शीघ्र हटाए नहीं तो समाज आंदोलन के माध्यम से उसका हिंदू रीति रिवाज के से उसका दाह संस्कार करेगा और बिलाला समाज के जिले के बिलाला समाज के साथ समस्त हिंदू समाज भी उनके इस काम में सहयोगी बनेगा, अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेगा। क्या वहाँ कब्रिस्तान अलॉटेड है? क्या वहाँ जगह बताई जा रही है कि कब्रिस्तान के लिए अलॉट है? ऐसी कोई जगह नहीं है। मैं आपको कह ही चुका हूँ कि अगर ऐसी हो तो पहले प्रमाण लाए, कोई वहाँ योग्य अधिकारी आए बताए, वहाँ का रेखांकन करें, सीमांकन करें, बाउंड्री करें और बताए कि यहाँ पर कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ हनुमान जी वाला महाराज विराजमान है और हमारे समाज के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। ये अभी ग्राम पीपल कोटा
कि कुछ लोगों और हिंदू संगठन के कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि वहाँ पे भिलाला समाज के मांगलिक भवन की भूमि पर किसी अन्य गांव के मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसको वहाँ दफनाया गया है। क्योंकि ये आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, मसला मुंदी थाना अंतर्गत है, इसकी दो दिन में विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये एक्चुअल में अब जांच का विषय है कि उसको आवंटित है नहीं है या जो भी है, पर चूँकि अब जांच हो जाएगी उसके बाद में ही जो भी है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।